हे फूडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक फॉरेस्ट केक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो भी एकदम इजी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम एक बाउल लेंगे और उस पर एक छलनी रखेंगे। अब उसमें एक कप मैदा लेंगे, हाफ कप मिल्क पाउडर, हाफ कप पीसी हुई चीनी, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ कप कोको पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, अब इसे हम छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना बहुत जरूरी है। अब उसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, एक टीस्पून चॉकलेट एसेंस और उसके बाद एक कप मिल्क। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। मिलाते वक्त ध्यान रखें, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम एक केक टिन लेंगे, उसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे, उस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। अब हम केक बैटर ऐड करेंगे। इसे 5 से 7 बार टैप करेंगे इस तरह। अब केक टिन को प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 35 मिनट तक बेक करेंगे। यहाँ पे हम केक को गार्निश करने के लिए डार्क चॉकलेट कद्दूकस करेंगे। केक बेक हो गया है, केक रेडी है। अब केक को हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। केक ठंडा होने तक हम व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे। व्हिप्ड क्रीम को बीट करने के लिए एक बात का ध्यान रखिए कि वो एकदम चिल्ड यानी ठंडी होनी चाहिए। हम 10 से 12 मिनट क्रीम बीट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी व्हिप्ड क्रीम तैयार है। व्हिप्ड क्रीम ऐसी गिरनी नहीं चाहिए, तो ही वो परफेक्ट होती है। एक बोर्ड लेंगे, उस पे हम थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे और अब हम केक बेस को बोर्ड पे अरेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ चेरीज और शुगर पानी में ऐड करके 5 मिनट बॉईल की है। ये तैयार सिरप हम केक बेस पे अप्लाई करेंगे। अच्छे से अप्लाई करना है। हमें केक बेस पूरा गीला करना है। हम यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम भी स्प्रेड कर देंगे।
और हमने जो चॉकलेट कद्दूकस कर ली थी वो स्प्रेड करेंगे। सबसे ऊपर वाले केक को मैं ऊपर से कट करके उल्टा रख दूंगी ताकि मेरा ऊपर वाला सरफेस प्लेन दिखे। उस पे भी हमें शुगर सिरप अप्लाई करना है। अब हम पूरी केक को क्रीम से कवर कर लेंगे और थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेंगे। ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे वैसे भी हम चॉकलेट से गार्निश करने वाले हैं। अब मैं चॉकलेट से गार्निश कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग से केक को डिजाइन कर लूंगी। केक को चेरीज से गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे एकदम बेकरी जैसी केक रेडी है। इसे 5 से 7 घंटे फ्रिज में रखें, उसके बाद आप केक खा सकते हो। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।